मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है। यहाँ शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। मामला ग्वालियर जिले की है, जहां मूर्तियों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जब ग्वालियर जिले में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर यह विवाद पैदा हो। 2 महीने के अंतराल में भितरवार में ही 2 घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां मूर्ति को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। दरअसल ग्वालियर के चरखा गांव में रात के अंधेरे में शासकीय भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस बात की जानकारी जब प्रशासन को लगी तो पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम चरखा गांव में पहुंच गई और यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की जाने लगी। इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव करने में बच्चे भी शामिल थे। पथराव होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और ग्रामीणों को बल प्रयोग करके काबू में किया। वहीं पथराव की वजह से पुलिस प्रशासन की 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कुछ लोग भी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। हालांकि अब पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिन लोगों ने पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम पर पत्थर फेंके हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।